रिसेंटली 2 days बैक आरबीआई ने कुछ नॉर्म्स निकाले एंड ड्यू टू दोज नॉर्म्स व्हाट्स गोइंग टू अकर इज कि जो हमारा पेटीएम बैंक था वो बैन हो गया है। ओके गाइस, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 4 ऑफ बजट इनसाइट। आई एम प्रोवाइडिंग यू इनसाइट ऑफ द बजट दैट आई प्रेजेंटेड और एक्सप्लेन टू यू इन द लास्ट वीडियो। नाउ आई एम प्रोवाइडिंग इनसाइट टू यू। सो गाइस, द 4 पॉइंट इज, चौथा पॉइंट ये कह रहा है हमारे बजट का, द टेक अवे इज दैट फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी विल बी प्रमोटेड विल बी एडवोकेटेड बाय द गवर्नमेंट। सो वेरी गुड स्टेप, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, पेटीएम, यूपीआई, ये सारी चीजें प्रमोट हो, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मैं इसमें आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ जरा। अभी क्या हुआ, आरबीआई ने कुछ नॉर्म्स निकाले रिसेंटली, 2 days बैक आरबीआई ने कुछ नॉर्म्स निकाले एंड ड्यू टू दोज नॉर्म्स व्हाट्स गोइंग टू अकर इज कि जो हमारा पेटीएम बैंक था वो बैन हो गया है। और इसकी वजह से एज सून एज आरबीआई डिक्लेयर्ड इट्स नॉर्म्स, पेटीएम के शेयर 20% करेक्ट हो गए, दैट मींस 20% उनकी वैल्यू कम हो गई। पेटीएम फिनटेक, राइट? उसके बाद वी हैव ऑब्जर्व्ड इन द प्रीवियस इयर्स, रिसेंटली देखा भी है कि वन साइडेड रूलिंग करी गई, वन साइड रूल्स वर फ्रेम अगेंस्ट क्रिप्टो, क्रिप्टो करेंसी को कंटेन करने के लिए, उनको लिमिटेड करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा वन साइडेड रूल्स लगातार फ्रेम किए गए एंड इट रिजल्टेड इन दैट मेनी क्रिप्टो मेकर्स व्हिच वर देयर इन आवर कंट्री दे माइग्रेटेड ईदर टू दुबई, थाईलैंड, इंडिया छोड़ के चले गए। नाउ दैट्स द लॉस। एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि हम फिनटेक को डेवलप करेंगे, एडवोकेट करेंगे, दूसरा हमारे यहाँ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है हम उन्हें कंजीनियल एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहे हैं जिसमें वो थ्राइव करें। जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्राइव नहीं कर पाएंगे तो कोई नया फिनटेक क्यों डेवलप होगा, बताइए? ठीक है, मेकिंग बजट, एलोकेटिंग मनी, ये एक अलग चीज है और एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना टोटली ही अलग चीज है। ठीक है, वी नीड टू प्रोवाइड फिनटेक सपोर्टिव एनवायरनमेंट। ओके, अब बताइए, अगर आप जब तक गवर्नमेंट फिनटेक सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करवाएगी तो कोई भी वीसी, वेंचर कैपिटलिस्ट वगैरह क्यों फंड करेंगे किसी फिनटेक को? हाउ विल फिनटेक डेवलप, राइट? आई होप यू अंडरस्टूड।